कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा कांग्रेस में जल्द फेरबदल के दिए संकेत, लेकिन पार्टी में गुटबाजी से किया इनकार। राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठे सवालों को भी किया खारिज। राइट स्पोर्ट्स स्कूल घोटाला मामले में जांच कर रही ऑडिट टीम पर एफआईआर के आदेश। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जल्द से जल्द दस्तावेज वापस लेने के भी आदेश दिए। निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से परेशान विभागों ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से की मुलाकात। राव नरबीर ने डिविजनल कमिश्नर को दिए स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 11 जिलों में बिजली सुविधा केंद्र खोलने का किया ऐलान। हिसार में भी उपभोक्ता अब 24 घंटे दर्ज करवा पाएंगे शिकायत। रोहतक पुलिस ने 105 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार। करीब 6 लाख आंकी गई गांजे की कीमत। गांजे से भरी वैन को पुलिस ने कब्जे में लिया। स्वच्छता सर्वेक्षण की लिस्ट में करनाल ने 65वां रैंक हासिल किया। फरीदाबाद को मिला 88वां रैंक। गुरुग्राम 112 नंबर पर। हरियाणा के शहरों की रैंकिंग में हुए सुधार से शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन संतुष्ट। देश के टॉप 50 साफ सुथरे शहरों में शिमला का नाम भी शुमार, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार गिरी रैंकिंग। पिछली बार शिमला था 27वें रैंक पर, इस बार 47वें पायदान पर पहुंचा। डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार ने उठाए सर्वे पर सवाल। शहीद परमजीत की बेटी को गोद लेंगे कुल्लू के डीसी यूनिस। पढ़ाई समेत सारी जरूरतें पूरी कर पेश करेंगे अनूठी मिसाल। पुंछ में शहीद हुए थे तरन तारण के शहीद परमजीत सिंह। शिमला और मंडी की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी का मनमोहक नजारा। बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में हिमाचल का रुख कर रहे हैं सैलानी। सार्क देशों के लिए श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ इसरो का साउथ एशिया सैटेलाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया 6 देशों के लिए बड़ा तोहफा। संचार और कुदरती आपदाओं से निपटने में मिलेगी मदद।